स्टार्ट पीछे हो जाओ आप लोग पीछे ठीक है। अंजुम जी फर्स्ट भी कॉन्ग्रेचुलेशन शत्रुघ्न खिलाड़ी में आप जा रहे हो, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस जर्नी को फेस करने के लिए? देखिए इट वॉज ऑन माई माइंड सिंस क्वाइट अ फ्यू ईयर्स कि मुझे एक ऐसा डेयर डेविल रियलिटी शो करना है, और क्योंकि इंडिया में खतरों की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही इमेंसली बड़ी और अमेजिंग है, तो और जब फियर फैक्टर की बात आती है या खतरों से लड़ने की बात आती है तो एक ही शो दिमाग में आता है, वो है खतरों के खिलाड़ी। और इस बार जो सीज़न 13 होने वाला है वो और भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे ज़्यादा डर मुझे हर चीज़ से डर लगता है, चाहे वो ऊंचाई हो, हाइट हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, स्नेक्स हो, या यू नो लिजर्ड्स हो, कॉकरोचेस होते हैं, तो चूहों से इतना डर नहीं लगता, लेकिन इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। और ये बिल्कुल मत पूछना कि मैंने क्या तैयारी की है, मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ जाके क्या करने वाली हूँ, बट हाँ बहुत चीज़ों से डर लगता है। तो अपने फियर को ओवरकम करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर मंच यू नो खतरों से खेलने का और कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए इस साल खतरों के खिलाड़ी सीज़न 13 में दुआ कीजिए कि मैं आगे तक पहुँच जाऊँ। जर्नी से पहले आप सबसे अमेजिंग प्लेस में आए हो, इस जगह के बारे में कुछ अगर आपने किस तरह की दुआ की? तो हमेशा जो भी नया प्रोजेक्ट मिलता है या कुछ मिलता है, तो इससे पहले भी मैं यहाँ पर आई हूँ हजरत मकबूल शाह बाबा के दरबार में, और खुदा से तो दुआएं हम मांगते ही रहते हैं, लेकिन एक अर्जी मैंने सोचा कि बाबा से भी लगा लूँ कि प्लीज़ आप मेरी सिफारिश कर दीजिए खुदा से, तो शायद वो मेरी अर्जी सुनेंगे और मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। दुआ यही है कि मैं खतरों के खिलाड़ी जीतूँ, अगर नहीं जीत रही हूँ फिर भी थोड़ा टॉप 3 में तो भी आऊँ, लाइक यू नो ऐसा लगे कि मैंने कुछ किया है ज़िंदगी में। एक छोटा सा ट्रिविया देना चाहूँगी कि अगर आप बाहर नाम देखेंगे हजरत मकबूल शाह बाबा के, आगे फकी लिखा हुआ है जो मेरा भी सरनेम है, तो मैं ऐसे समझती हूँ कि आई एम हिज डायरेक्ट डिसेंडेंट, और इसलिए बुलावा हमेशा यहीं से आता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मम्मी ने भी कहा था कि मेरा सलाम पहुँचाना, तो वही दुआ में मैंने उनको बोला है कि मम्मी ने सलाम भेजा है, और बच्चों के लिए मम्मी ने कहा कि हमारे बच्चों जो तीनों मेरी जो बहनें हैं उनके लिए भी दुआ मांगना। तो खतरों के साथ साथ मैंने अपनी पर्सनल दुआएं भी मांगी हैं, और असलम जी ने हमें बहुत हेल्प की है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।